हेलो स्टूडेंट, एचबीएन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन फ्रेम हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब एक समान आपेक्षिक स्थानांतरण गति करते हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। तो अपने को ये देखना है कि अपने जो फ्रेम है, अपना जो निर्देश तंत्र है, वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन कर रहा है। और कैसा रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन? ट्रांसलेशन मोशन, मतलब स्थानांतरण गति। तो एग्जांपल के तौर पे अपन देखें कि अपने पास में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हो गया एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको अपन दर्शा सकते हैं एस प्राइम। तो एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो ये वाला हो गया, तो एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम, ये हो गया अपना एस प्राइम निर्देश तंत्र। अपना जो टॉपिक है वो है कि यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन होनी चाहिए ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब स्थानांतरण गति। तो अपन ये मान लेते हैं कि जो एस प्राइम फ्रेम है वो एस प्राइम के सापेक्ष एक नियत वेग वी से गतिशील है। तो ये अपन मान लेते हैं कि एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष एक नियत वेग वी से गतिशील है। तो इस स्थिति में अपने को देखना है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या क्या बनेगी। तो इस वाली पोजीशन के अंदर ये निर्देश तंत्र ओ प्राइम हो गया। तो अपन मान लेते हैं कि अपना जो पॉइंट है, पी पॉइंट है या कर्ण है, वो पी बिंदु पे स्थित है। ये पी बिंदु, इस पी बिंदु का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, जो कि एक एस निर्देश तंत्र में है, स्थिति सदिश आर वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आर वेक्टर। इसी बिंदु P का S प्राइम तंत्र, या कह देंगे S प्राइम तंत्र के मूल बिंदु O प्राइम के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं R प्राइम वेक्टर के द्वारा। इसी प्रकार जो O प्राइम है, O प्राइम का O के सापेक्ष स्थिति सदिश, जो कि अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे R जीरो वेक्टर के द्वारा। अब अपने को ये देखना है कि इस R जीरो वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एस प्राइम के अंदर एस के सापेक्ष नियत वेग वी से गति कर रहा है। इसका मतलब किसी भी समय टी के ऊपर, किसी भी समय टी के ऊपर जो आर जीरो कोऑर्डिनेट है, आर जीरो स्थिति सदिश है, उस आर जीरो वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो अपन लिख सकते हैं वी वेक्टर टी। लिखा किस प्रकार से अपन ने, आर जीरो इक्वल टू वी टी। अपन देख सकते हैं आर जीरो है क्या, स्थिति सदिश, मतलब दूरी के रूप में है। तो दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, वेलोसिटी इंटू टाइम के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो जो आर जीरो वेक्टर है किसी भी टी समय के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होगी, आर जीरो इक्वल टू वी टी। तो ये हो गया अपना जो पोजिशन वेक्टर है ओ प्राइम का ओ के सापेक्ष, या एस प्राइम तंत्र के मूल बिंदु ओ प्राइम का एस तंत्र के मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश, जो कि आर जीरो इक्वल टू वी टी के इक्वल होगा। साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जब S प्राइम फ्रेम S के सापेक्ष रिलेटिव मोशन कर रहा है एक नियत वेग V से, तो उस स्थिति में इसकी जो गति है S प्राइम तंत्र की, वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रत्येक समय पर इनके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो आपस में एक दूसरे के समानांतर होंगे। मतलब X प्राइम है X अक्ष के समानांतर होगा, Y प्राइम है वो Y के समानांतर होगा, Z प्राइम है वो Z के समानांतर होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब वही जो पीछे अपन देखते आ रहे थे कि जो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज की बात करें अपन, त्रिभुज ओ पी ओ प्राइम, इस वाले त्रिभुज में देखें त्रिभुज के योग का सदिश नियम। तो त्रिभुज के योग का सदिश नियम क्या कहता है कि दो कर्मागत भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा परिमाण में, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अप्लाई करके देखते हैं अपन। तो यहां पे अपन त्रिभुज नियम अप्लाई करें तो कह सकते हैं ओ ओ प्राइम वेक्टर प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी वेक्टर। तो ये होगा अपना त्रिभुजों के योग का सदिश नियम। इनकी वैल्यू अपन रखें तो ओ ओ प्राइम जो कि क्या है अपना आर जीरो वेक्टर प्लस ओ प्राइम पी, ओ प्राइम पी है अपना आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू ओपी, ओपी है अपना आर वेक्टर। डायग्राम में अपन चेक कर सकते हैं तीनों की वैल्यू। तो यहां से अपन लिख सकते हैं आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर। रही बात आर जीरो की, जो अपना पोजीशन वेक्टर है ओ प्राइम का, तो इस आर जीरो की वैल्यू अपने पास में है वी टी, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी। तो ये हो गई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन R prime equal to R minus Vt, जहां V क्या है, V है अपना S prime तंत्र का वेग, इसके अलावा R prime S prime तंत्र में बिंदु P का स्थिति सदिश, R vector S तंत्र में मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर वन। तो ये तो हो गया पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अब
फ्रेम गति कर रही है, साथ में अपने पास में सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो पी बिंदु है या पी कण है वो भी क्या है, गतिशील अवस्था में है। अगर ऐसा होगा तो क्या सिचुएशन होगी, तो अपन मान लेते हैं कि किसी समय टी के ऊपर एस तंत्र में कण पी का वेग यू है। अपन मानते हुए चल रहे हैं कि किसी भी समय टी के ऊपर एस तंत्र में बिंदु पी या कण जो पी है उसका वेग क्या है, यू। कण का वेग क्या है, यू। तो इस स्थिति में अपने को देखना है कि फ्रेम की वेलोसिटी वगैरह क्या क्या होगी, या फ्रेम की वेलोसिटी कहते हैं या एस प्राइम तंत्र में कण की वेलोसिटी क्या होगी। तो कण की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपन जो इक्वेशन वन है अपनी, उस इक्वेशन वन का क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे। तो बाई डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन वन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा अपने पास में, आर प्राइम इक्वल टू ये डी आर प्राइम अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस वी वेक्टर टी। तो ये टाइम के डी वी टी अपॉन डी टी, तो ये हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसी को अपन लिख सकते हैं डी आर प्राइम अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस, यहां अपन देखें जो अपनी वेलोसिटी है वो वी वेक्टर है, क्या किसकी वेलोसिटी है ये, तो वी वेक्टर है एस प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी जो कि क्या अपने पास में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो अपन डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी वेक्टर डी टी अपॉन डी टी। तो फाइनली अपने पास में इक्वेशन बनेगी डी आर प्राइम अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी डी टी अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम का ही डेरिवेटिव ले रहे हैं जो कि क्या हो जाएगा वन, तो वी इंटू वन कह सकते हैं। अब डी आर प्राइम अपॉन डी टी की बात करें अपन, तो डी आर प्राइम अपॉन डी टी आर प्राइम एस प्राइम तंत्र में स्थिति सदिश था, तो एस प्राइम तंत्र की स्थिति सदिश का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि एस प्राइम तंत्र में कण का वेग हो जाएगा जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी प्राइम वेक्टर के द्वारा इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या था एस तंत्र में कण पी का स्थिति सदिश, उसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो वो हो जाएगा एस तंत्र में कण का वेग जो कि अपन मान चुके हैं वो है यू वेक्टर, ये अपन ने माना था ऊपर, इसके अलावा माइनस वी। तो अपने पास में इक्वेशन बन गई वी प्राइम इक्वल टू यू माइनस वी। तो अपन देख सकते हैं कि इक्वेशन वन में जो पोजीशन वेक्टर था वो पोजीशन वेक्टर चेंजेज हो रहा है जो कि समय पर भी निर्भर कर रहा है, समय आश्रित है। इसी प्रकार देखें कि जो वेलोसिटी है निर्देश तंत्र के अंदर अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रही है एस प्राइम तंत्र एक नियत वेग दी से गति कर रहा है, तो उस स्थिति में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंजेज हो रहा है, तो जो अपने इक्वेशन टू के द्वारा अपन दर्शा सकते हैं ये इक्वेशन टू के द्वारा। अब इसी प्रकार से कण का एक्सीलरेशन देखें, तो एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो कण का एक्सीलरेशन निकालने के लिए जो इक्वेशन टू है अपनी, उस इक्वेशन टू का क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार पुनः डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इक्वेशन टू का डेरिवेटिव ले अपन, तो इक्वेशन क्या बनेगी डी वी प्राइम अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी माइनस डी वी अपॉन डी टी, ये अपन ने डेरिवेटिव ले लिया। तो डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे अपन लिखें डी वी प्राइम अपॉन डी टी एस प्राइम तंत्र में कण के वेग में परिवर्तन की दर जो कि क्या होगा एस प्राइम तंत्र में कण का त्वरण जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्राइम वेक्टर के द्वारा इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, तो यू था एस तंत्र में कण का वेग था, तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी टी क्या होगा एस तंत्र में कण के वेग में परिवर्तन की दर जो कि क्या कहलाएगा एस तंत्र में कण का त्वरण जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वेक्टर के द्वारा माइनस डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी ये होगा जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि डी वी अपॉन डी टी के अंदर अपन वी की बात करें तो वी वेक्टर क्या है अपना कॉन्स्टेंट है, v वेक्टर है कांस्टेंट, वे कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी किसकी है s प्राइम तंत्र की वेलोसिटी है s के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे तो फाइनली अपनी इक्वेशन क्या बन गई a प्राइम वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, तो ये हो गया अपना जो एक्सीलरेशन है उसका रूपांतरण।
तो कुल मिला के अपने पास में अपन यहाँ पे देखें इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों से निष्कर्ष निकाले, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रही है, मतलब कोई भी एक फ्रेम है अगर किसी नियत वेग से गति कर रही है, तो उस स्थिति में उस फ्रेम में पोजीशन है वो कुछ अलग दिखाई देगी जो कि इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग होगी। उस समय या उस किसी भी समय पर उस फ्रेम के अंदर, मतलब जो गतिशील फ्रेम है उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो भी अपने को अलग दिखाई देगी जो कि इक्वेशन 2 के अंदर या 2 के अनुसार अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन पोजीशन और वेलोसिटी में तो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपन एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा, मतलब ए प्राइम इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों फ्रेम के अंदर है जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये था अपना कि यूनिफॉर्म मोशन हो रही है किसी एक फ्रेम के लिए, तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कि इक्वेशन 1, 2, 3 के द्वारा अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अगर जो फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम वो गतिशील न हो, गतिशील न होकर एस फ्रेम के सापेक्ष किसी एंगल पे झुकी हुई हो, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण। तो उसको अपन लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम, ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि अगर एक कोई जो फ्रेम है एस प्राइम तंत्र है वो क्या है, एस तंत्र की सापेक्ष किसी निश्चित कोण पे झुका हुआ है, तो उस स्थिति में अपने को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बनेगी। तो उसके लिए यहाँ पे अपने पास में दो सिचुएशन हो सकती है या दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ए पॉइंट दे देते हैं अपन, टू डायमेंशन ट्रांसलेशन, तो 2D ट्रांसलेशन अपने को देखना है। तो सबसे पहले 2D डायमेंशन में देखते हैं, उसके बाद में अपन वेरीफाई करेंगे 3D डायमेंशन में। तो इसके लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, वही दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माननी पड़ेगी जो भी अपन देख रहे थे कि S और S प्राइम, बस सिचुएशन चेंज हो चुकी है। पिछली कंडीशन में अपने पास में क्या था कि जो S प्राइम फ्रेम है वो एक निश्चित वेग V से गतिशील अवस्था में थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक फ्रेम है वो दूसरी फ्रेम के साथ किसी एक निश्चित एंगल पे झुकी हुई है। तो इसके लिए मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि अपनी जो S फ्रेम है ये हो गई अपनी S फ्रेम में X एक्सिस और Y एक्सिस, Z एक्सिस वो अपन शो कर सकते हैं, ये हो गया अपना Z एक्सिस। अब X एक्सिस Y एक्सिस हो गया, Z एक्सिस हो गया, मूल बिंदु O हो गया, अपने को दर्शाना है कि जो S प्राइम फ्रेम है वो किसी एक निश्चित एंगल पे झुकी हुई है, तो निश्चित एंगल पे झुकी हुई है तो मैं उसके कोऑर्डिनेट बना देता हूं, ये हो गया अपना X प्राइम, और ऐसे ही मैं दर्शा दूं ये हो गया अपना y प्राइम एक्सिस, एंगल है थीटा एंगल हो गया, ये हो गया थीटा एंगल। कि s प्राइम तंत्र है, उस s प्राइम तंत्र के जो एक्सिस है वो क्या है, s तंत्र के अक्ष रेखाओं से थीटा एंगल पे झुके हुए हैं। साथ में z प्राइम की बात करें तो z और z प्राइम दोनों सेम एक्सिस हो जाएंगे, क्योंकि अपन टू डायमेंशन ट्रांजिशन ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देख रहे हैं। अब सेम वही कंडीशन कि अपना जो पार्टिकल है, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल है P बिंदु यहाँ स्थित है, तो इस P बिंदु के कोऑर्डिनेट की बात करें, S फ्रेम के अंदर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे X, Y, S प्राइम फ्रेम में कोऑर्डिनेट देखें तो S प्राइम फ्रेम में इसी P बिंदु के कोऑर्डिनेट दर्शा सकते हैं X प्राइम और Y प्राइम के द्वारा। जो Z और Z प्राइम है वो अपन नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि टू डायमेंशन की बात अपन कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि P बिंदु से एक लंब डाल दूँ, यहाँ पे एक लंबी यहां डाल देता हूं, तो ये हो गए अपने पास में, इनको नाम दे दे अपन ए और बी। तो यहां पे पी ए और पी बी क्या है, पी बिंदु से मैंने लंब डाले हैं पी ए और पी बी, जो कि नीचे वाले एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो ये अपने को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ओ ए, और ऐसे ही ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट। अब अपने को क्या करना है, y प्राइम की x प्राइम y प्राइम की बात करें, तो x प्राइम y प्राइम के लिए मैं इसको इस प्रकार से दर्शा सकता हूं,
ये हो गया, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं डी बिंदु। ऐसे ही यहाँ से पी बिंदु से यहाँ लंब डाल दूँ, ये अपना हो गया सी बिंदु। तो ये चीजें अपन ने कर ली है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई प्राइम, ये हो जाएगा एक्स प्राइम। तो ये हो गए अपने एक्स प्राइम वाई प्राइम और जे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए हैं, जो कि अपने लंब डाल के वैल्यू अपन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक लंब और डालना है, कहाँ पे डाले अपन, जो बिंदु ए है उस बिंदु ए से जो डीपी रेखा है उस डीपी रेखा के ऊपर अपन एक लंब डालेंगे। तो मैं बिंदु ए से डीपी पे एक लंब डाल देता हूं, ये हो गया, तो इसको नाम दे देता हूं एफ बिंदु, ये हो गया एफ, तो ये हो गया एफ पॉइंट। तो कुल मिला के अपने पास में ये लंब वाली सिचुएशन हो चुकी है। तो अपन ने कहा क्या क्या है कि बिंदु पी से लंब डाला, पी ए और पी बी जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, बिंदु पी से लंब डाला पी सी और पी डी जो कि एक्स प्राइम और वाई प्राइम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा एस प्राइम तंत्र है, तो एस प्राइम फ्रेम अपनी ये वाली हो गई जो कि एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या है, ये वाला एस फ्रेम का है, तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पे झुका हुआ है। तो अपन इनके बारे में बात करें, तो पी बिंदु, तो अपन मान लेते हैं कि अपनी जो एस फ्रेम है, एस फ्रेम में पी बिंदु उसके कोऑर्डिनेट हैं वो है एक्स वाई और जेड। इन एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करना है अपने को, तो अपन जो अपना डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होगी। तो एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, तो x की वैल्यू अपन देखें BP इक्वल टू OA, x की वैल्यू होगी BP और या OA, ये अपन कह सकते हैं। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो y कोऑर्डिनेट AP या OB, AP इक्वल टू OB, तो ये हो जाएगा अपना y कोऑर्डिनेट। तो ये तो हो गया S फ्रेम के अंदर, इन S फ्रेम कि S फ्रेम के अंदर कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही जो S फ्रेम तंत्र है जो कि S के सापेक्ष निश्चित कोण y पे झुका हुआ है, निश्चित एंगल थीटा भी झुका हुआ है, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स की भी बात करें अपन, तो अपने जो कोऑर्डिनेट होंगे x प्राइम, तो x प्राइम इक्वल टू क्या होगा, डायग्राम के अंदर अपन देखें तो x प्राइम ये वाला है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं dp के द्वारा, या इसी को अपन लिख सकते हैं ocb लिख सकते हैं। ऐसे ही y प्राइम, तो y प्राइम क्या होगा, pc या cp इक्वल टू od, तो ये हो गया इन s प्राइम फ्रेम कि s प्राइम फ्रेम के अंदर कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। साथ में बात करें जेड और जेड प्राइम की, तो जेड और जेड प्राइम दोनों सेम रहेंगे क्योंकि अपन टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। कारण क्या है, अपन टू डी टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो टू डायमेंशन के कारण से अपने पास में जेड और जेड प्राइम की वैल्यू सेम बनी ही रहेगी। तो इनको अपन नाम दे सकते हैं इक्वेशन वन इक्वेशन टू, जो कि अभी अपन आगे यूज करेंगे। अब किया क्या है अपन ने, बिंदु ए से एक लंब डाला है जो कि क्या है ए एफ, तो अपन कह सकते हैं कि ए एफ वो लंब डाला है, परपेंडिकुलर है कहां पे है डीपी, और ए एफ डीपी के परपेंडिकुलर है, साथ में ओसी के भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी अपन कह सकते हैं। ओसी कहते हैं ओ एक्स प्राइम कहते हैं, ओसी के परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्योंकि डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि जो डीपी है और जो ओसी है वो एक दूसरे के पैरेलल रेखाएं हैं, तो ये वाली कंडीशन हो गई। इसके अलावा ए एफ और एपी के मध्य का एंगल देखें, ये वाला एंगल है वो भी थीटा एंगल ही होगा, तो ये वाली कंडीशंस हो गई है। तो ये अपन ने लंब डाल लिए हैं और लंब के साथ साथ में अपने एंगल की वैल्यू देख ली है। अब जो डायग्राम बन रहा है, त्रिभुज वगैरह बन रहे हैं, तो उनके अंदर अपन अप्लाई करते हैं, अपने को एक्स प्राइम और एक्स में रिलेशन निकालना है, वाई प्राइम और वाई में रिलेशन निकालना है कि क्या क्या रिलेशन होंगे। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि सिंस एक्स प्राइम इक्वल टू, तो डायग्राम में देखें एक्स प्राइम, एक्स प्राइम अपने पास में ओसी जो कि अपन ऊपर भी लिख चुके हैं ओसी, ओसी को मैं लिख सकता हूं ओसी, इसी को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं डीपी के द्वारा इक्वल टू डीपी। डायग्राम के अंदर देखें अपन, तो जो डीपी है
डी से लेकर पी तक की जो दूरी है उसको अपन दर्शा सकते हैं डी एफ प्लस एफ पी के द्वारा, तो ये हो जाएगा डी एफ प्लस एफ पी। तो x प्राइम को अपन OC कह सकते हैं या DP के इक्वल लिख सकते हैं, या DP को अपन डिवाइड करके लिख सकते हैं DF प्लस FP। जो DF प्लस FP है तो DF, DF की बात करें तो DF ये किसके इक्वल होगा, डायग्राम के अंदर देखें तो इसको मैं नाम दे देता हूं E पॉइंट, ये वाला बिंदु है E, तो DF को मैं लिख सकता हूं OE के बराबर। तो इसको जो DF है उसको मैं लिख रहा हूं OE प्लस FP, तो FP ऐसा कैसा, तो ये हो गया OE प्लस FP पॉइंट। अब OE प्लस FP की वैल्यू चेक करनी है अपने को क्या होगा, तो अपन इस वाले त्रिभुज के अंदर देखें त्रिभुज OEA, इस वाले त्रिभुज के अंदर अपन देखें तो देखें थीटा, थीटा के सामने वाला अपन कह सकते हैं ये लंब हो गया, 90 एंगल था तो ये आधार हो गया और ये कर्ण, तो लंब आधार और कर्ण अपने को कैलकुलेट करना है OE, और अपने को पता क्या है OA पता है, और OA क्या है ये वाली सिचुएशन है OA x के रूप में है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं OE बटा OA, तो OE बटा A OA, तो आधार बटा कर्ण जो कि क्या होता है cos थीटा, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं OE बराबर OA cos थीटा, तो OE बराबर OA, OA क्या है अपना इक्वेशन वन में चेक कर सकते हैं अपन OA x के इक्वल है, तो ये हो गया x cos थीटा, तो OE की वैल्यू तो हो गई x cos थीटा। सिमिलरली FP, तो FP की वैल्यू याद करें अपन, तो FP के लिए त्रिभुज में देखें इन ट्राइंगल कौन सा वाला AFP, AFP तो इसके अंदर अपन देखें एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब, ये 90 का एंगल है तो ये आधार और ये हो गया अपना कर्ण, तो लंब आधार और कर्ण की बात करें तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है लंब, और कैलकुलेट क्या है अपने पास में कर्ण, तो मतलब AP बटा AP, तो लंब बटा कर्ण वो होगा साइन थीटा, तो ये अपने पास में हो जाएगा AP इक्वल टू AP साइन थीटा, तो AP 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 अपन देखें इक्वेशन वन के अंदर y है तो ये हो जाएगा y साइन थीटा। तो कुल मिला के अपन ने क्या किया है, जो x प्राइम था x प्राइम में OE प्लस FP था, तो OE और FP दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो x प्राइम इक्वल टू OE प्लस FP, तो OE मतलब x cos थीटा प्लस FP, तो FP क्या है y sin थीटा, तो ये हो गया x prime equal to x cos theta plus y sin theta, जो कि अपना x prime और xy में रिलेशन आ चुका है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो x prime का रिलेशन निकाल चुके हैं, अब सेम ऐसे ही अपने को y prime के लिए रिलेशन निकालना है, तो y prime के लिए रिलेशन सिमिलरली y prime, तो डायग्राम में देखें या y प्राइम अपन लिख भी चुके हैं इक्वेशन 2 में पहले, तो y प्राइम को मैं लिख सकता हूं OD, इक्वेशन 2 में भी लिखा हुआ है OD इक्वल टू OD को और क्या लिख सकते हैं अपन OD, डायग्राम में देखें तो OD जो है वो EF के इक्वल भी है EF। अब रही बात EF की, तो EF को क्या लिख सकते हैं अपन डायग्राम में देखो EF, तो EF इस पूरी भुजा में मतलब AF AF में से अगर मैं AE को माइनस कर दूं, डायग्राम में देखो AF AF पूरी भुजा है उसमें से AE AE ये वाली भुजा इसको अगर माइनस कर देता हूं तो बचेगा क्या अपने पास में EF बचेगा जो कि अपने को निकालना है, तो AF माइनस AE ये अपन लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें AF और AE क्या क्या होंगे, तो AF और AE वही अपना त्रिभुज है, तो इन ट्राइंगल ऑफ OEA OEA त्रिभुज OEA कौन सा है OEA, इस वाले त्रिभुज के अंदर अपन देखें तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है AF
और ए ई, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है ए ई जो कि क्या अपना लंब है, तो ए ई बटा यहाँ पे वाले त्रिभुज अपने को ओ ए की वैल्यू पता है ओ ए, तो ए ई बटा ओ ए क्या होगा, ए ई बटा ओ ए, तो ए ई लंब हो गया ओ ए कर्ण हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा। तो अब यहां से अपन लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, और जो ओ ए है तो ओ ए इक्वेशन वन के अंदर अपन देख सकते हैं ओ ए की वैल्यू एक्स है, तो कुल मिला के ए ई इक्वल टू हो गया एक्स साइन थीटा, ए ई बराबर एक्स साइन थीटा। ऐसे ही दूसरी जो वैल्यू है ए एफ, ए एफ अपने को कैलकुलेट करनी है, तो ए एफ ये वाला हो गया, तो इन ट्राइंगल ए एफ पी, ए एफ पी, तो ए एफ पी के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन, कैलकुलेट क्या करना है अपने को ए एफ, ए एफ, तो ए एफ बटा कैलकुलेट क्या है अपने पास पहले से ऑलरेडी जो पता है वो है ए पी, ए पी इक्वल टू, तो ए एफ डायग्राम में देख सकते हैं अपन आधार को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए पी क्या कर रहा है कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आधार बटा कर्ण कोस थीटा लिख सकते हैं अपन, तो अपने पास में इक्वेशन बनेगी ए एफ बराबर ए पी कोस थीटा, जो कि अपन क्या लिख सकते हैं ए पी कोस थीटा, ए पी, ए पी ऑलरेडी अपने पास में वाई है, तो ये हो जाएगा वाई कोस थीटा। तो ये दोनों वैल्यू ए ई और ए एफ की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं अपन, तो अपने पास में क्या बनेगा, सो वाई प्राइम इक्वल टू ए एफ, ए एफ का मतलब है वाई कोस थीटा माइनस ए ई, तो ए ई का मतलब है एक्स साइन थीटा, तो ये हो गया अपने पास में वाई प्राइम की वैल्यू, वाई प्राइम इक्वल टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, तो अपने पास में y प्राइम की वैल्यू हो गई, तो कुल मिला के दो इक्वेशन बन चुकी है इक्वेशन 3 और 4, जो कि अपने को याद रखनी है कि x प्राइम इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा और y प्राइम इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन सिमिलर वे में लिखना चाहें, तो सिमिलर वे में लिखने के लिए मैं इनमें कुछ चेंजेस कर देता हूं कि इनको cos फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो जो इक्वेशन थर्ड है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन अपने पास में x प्राइम इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इसी को मैं लिख सकता हूं x प्राइम इक्वल टू x cos थीटा प्लस y, अगर cos थीटा के रूप में लिखना चाहूं इसी को मैं, तो मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा, इसी को मैं लिख सकता हूं x प्राइम इक्वल टू x cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा एंगल ये वाला अपने पास में, तो इसको मैं x प्राइम o x एंगल लिख सकता हूं, तो x cos x प्राइम o x प्लस y cos 90 माइनस थीटा, 90 एंगल की बात करें अपन, तो 90 एंगल ये वाला है अपना माइनस थीटा, ये वाला एंगल माइनस कर दें, तो अपने पास में एंगल कौन सा बच रहा है, ये वाला एंगल बचेगा, तो ये वाला जो एंगल है वो है x प्राइम o y, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x प्राइम o y के द्वारा, तो अपने पास में जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसको अपन इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x cos x o प्राइम x प्लस y cos x प्राइम o y। ऐसे ही इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को रिप्रेजेंट करना चाहें अपन, तो इक्वेशन 4 है अपनी y प्राइम इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा, तो इसको भी अपन रिप्रेजेंट करना चाहें, तो y प्राइम इक्वल टू इसको मैं x cos 90 प्लस थीटा, कि cos 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस का sin थीटा होगा, प्लस का y cos थीटा, तो y प्राइम इक्वल टू x cos 90 प्लस थीटा, 90 का एंगल ये है अपना प्लस थीटा ये वाला, तो कुल मिला के ये पूरा एंगल जो कि क्या होगा 90 प्लस थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं y प्राइम o x, तो x cos y प्राइम o x प्लस y cos थीटा, तो थीटा एंगल ये वाला अपन दर्शा सकते हैं, जिसको अपन लिख सकते हैं y प्राइम o y, तो ये हो जाएगा y प्राइम o y, तो आगे अपने पास में ये हो गई y प्राइम की इक्वेशन।
तो एक्स प्राइम और वाई प्राइम दोनों को अपन चाहें तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो ये दोनों इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।